तो जैसे हमने यहाँ से न्यू पे क्लिक करा, यहाँ पे जाएंगे हम वेब में या फोटो में चले जाएं। फोटो में जाने के बाद यहाँ पर से आप एक साइज लेंगे और जैसे हम ले लेते हैं 3x2। यहाँ पे रेजोल्यूशन चलो 300 ही रख लो, साइज को 3.5 कर लें, 3.6 कर लें विड्थ में, और हाइट में इसके अंदर 2.2 का इजाफा कर लें और उसको क्रिएट कर दें। ये एक प्रॉपर साइज निकल आया है इंचिस के अंदर, ये इसका रूलर एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पर हम क्लिक करके इसको क्रिएट करेंगे। तो इसको क्रिएट करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो हम ग्रेडियंट टूल से भी कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट टूल से हमें जो भी कलर शेड्स बनाने हैं वो कलर, एक कलर ले लें और दूसरा कलर जो है इसमें वाइट का ले लें और उस पर जो शेड्स हैं वो ये वाला लगा दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे न्यू लेयर लेके इसको इस तरीके से आप अप्लाई करें, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो इस तरह से हो सकता है। दूसरा तरीका आप ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कैसे करेंगे, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो बस इसमें तो बहुत आसान है। एक में आप जो है कलर थोड़ा सा लाइट ले लें और उसको अल्टर बैक स्पेस से फिल कर दें, और एक और लेयर पे आप कलर ले लें थोड़ा सा वाइट ही कर लेते हैं तो कंट्रोल बैक स्पेस से इसको फिल कर दें। एक वाइट हो गई और एक ये कलर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, फिर यहाँ से जाइए कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन में और यहाँ से आप ऑप्शन ले लें ह्यू डिस्टॉर्ट ले लें। डिस्टॉर्ट लेने के बाद आप इसको इस तरीके से कहाँ तक लेकर आना है और यहाँ से किस तरह तक लेकर आना है, इस तरह से लगा देते हैं, क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आ गया। और उसके बाद जो है इस फाइल को सेव कर लें, कंट्रोल एस करके सेव ऑन योर कंप्यूटर कर दें, और जहाँ पर भी आपको इस फाइल को सेव करना है डॉक्यूमेंट्स में जाके वहाँ पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पर हमने ऑप्शंस के नाम से सेव कर लेते हैं क्लास 10 के नाम से, ठीक है, और उसको ओके कर देते हैं। देन आफ्टर इसके ऊपर ये जो शेप क्रिएट करना है तो नया एक लेयर ले लें, यहाँ से एक शेप ले लें और शेप को ड्रॉ कर दें। ये राउंडेड रेक्टेंगल में आ रहा है इस वजह से शायद कि इसका जो रेडियस है वो यहाँ से हमने बताया हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए रेडियस हमने 10 पिक्सल बताया हुआ और ये हमें 0 कर दें, तो ये इस तरह से एक शेप इसमें से प्रॉपर निकल आएगा। शेप में कलर भरना है, वॉट एवर कलर जो आपको सही लगता है वो इसके अंदर भर दें, फिल पर क्लिक कर लें। तो हम इसमें जो भी कलर चाहते हैं वो यहाँ में मिल जाएगा, अगर यहाँ नहीं मिल रहा तो RGB स्कीम्स में देख लें, काफ़ी सारे कलर्स हैं इसके अंदर। और यहाँ पर भी नहीं मिल रहा तो फिर आप जो हैं यहाँ से क्लिक करके मतलब कलर्स में चले जाएँ और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दें, तो ये कलर इसके ना फिल हो जाएगा। आउटस्ट्रोक यानी कि आउटलाइन की जहाँ तक बात है उस पर क्लिक कर लें और उसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ से नो फिल कर दें और उसको ओके कर दें, क्लिक कर दें, इसको यहाँ पर रख लें इस तरीके से और यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से आगे कर लें। फिर एडिट में जाके यहाँ से एडिट में जाके यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से हम इसको कर देते हैं स्क्यू। स्क्यू करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से स्क्यू कर लें और इसको क्लिक करके ओके कर दें। स्क्यू के बाद ये नीचे वाला एक ऑप्शन क्रिएट करना है अपने शर्ट्स के लिए, तो यहाँ से क्लिक करें, ट्राइंगल एक शेप ले लें, क्लिक करें, 3 कॉर्नर्स का ट्राइंगल ले लें। आई थिंक सो कॉर्नर्स हमने पहले से डिफाइंड नहीं नहीं है, ओके करते हैं। तो ये कुछ इस तरह का बना, ये सही नहीं बना, इसकी वजह यह है कि इसका रेडियस ज़्यादा था और यहाँ से इसके रेडियस को हम क्लिक करके 0 कर देते हैं। एंड 0 करने के बाद 0 हुआ नहीं लेकिन वो 0, और उसके बाद जो है अब इसको क्लिक करके बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको इसी पोजीशन पे बना लेते हैं, इस तरह का बन गया, बाद में हम इसको थोड़ा सही कर लेंगे। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लें और इसको इस तरह से एक शेड में कन्वर्ट कर दें। इसके अंदर कलर्स जो भरने हैं वो यहाँ से क्लिक करके फिल पर क्लिक कर लें। फिल पर क्लिक करने के बाद जो ग्रे या डार्क ग्रे कलर आपने भरना है वो भर दें। उसके बाद इसके पीछे इस तरह से लगा देना है, तो ऑलरेडी ये इस तरह का तो बना हुआ है। कंट्रोल टी कर लें और उसको अल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, ये ऐसे करके शो करना है आपने। अब इसमें दो तरीके हैं ऐसे शो करने के, एक तरीका तो यही है कि हम इसको ऐसे बनाएं, लेकिन देखें शेड अंदर की तरफ भी है, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ और इसको ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ, बल्कि ऐसे भी नहीं आएगा, और इसको इस तरह से घुमा लेते हैं और इसको ऐसे रखने की कोशिश करते हैं, ये इसका एक परफेक्ट एज निकल सकता है। इसमें थोड़ा सा साइज़ को हम कम कर लेते हैं और यहाँ पे रख के इसको इसी तरीके से कोने से
यहाँ पर इसको इस तरह से बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर इसको ओके कर सकते हैं। अब शेड ऊपर है लेयर से, इसको उठा के ऊपर कर लेते हैं और इसको भी उठा के इसके ऊपर कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरह का शेड क्रिएट इजीली हो जाएगा। तो फ्यूचर में भी इस तरह के शेड्स वगैरह क्रिएट करने के लिए आप ये वाला टेक्निक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक शेप को नीचे रख के दूसरे शेप को उसके ऊपर रख दें तो ये इस तरह का मामला क्रिएट हो जाता है। इसके बाद ये एक शेप निकालना है इसके ऊपर, तो लोगो है, ये लोगो कोई भी बना सकते हैं आप, लगा सकते हैं जो भी कंपनी का हो। इस तरह का शेप निकालना आसान है। इस तरह का एक शेप के लिए आप इस तरह का एक शेप बनाएंगे और शेप बनाने के बाद उसमें आप क्लिक करेंगे और जो भी कलर्स वगैरह उसके ऊपर स्कीम आप यूज़ कर रहे हैं वही स्कीम उस पर लगा के कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। टेढ़ा करके आप इसको यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको थिन करना है, थिक करना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं कि ये इस तरह के आइकन्स हमें कहाँ मिलेंगे। ये आप डाउनलोड करके एक ही दफ़ा अपने पास रख लें मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह से, तो ये आपको बार बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका उनका जो मुख्तलिफ आइकन्स की वेबसाइट्स हैं उनके लिए मेरे पास ये कुछ लिंक्स हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे हम यहाँ से चले जाएंगे स्टिकी पे क्लिक करके नोट्स पर, और यहाँ पर हमें कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी जिनके ऊपर हमें ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। cleanpng.com, freepng.com, pnggold, stickpng, similarpng, ये सारी इसकी काम की वेबसाइट्स हैं। एक एक करके चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं इन वेबसाइट्स का हमें किस तरह का डेटा मिल रहा है। यहाँ से क्लिक कर दिया cleanpng.com पे क्लिक करके, तो ये आपके सामने लोड हो रहा है। जैसे ही ये लोड होता है हमारे सामने तो ये देखें इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो इसके अंदर सारी हैं, ये लोगो भी हैं, किस है, वेडिंग है, सारी चीज़ें इसका मौजूद हैं। जिस तरह का भी आपको इसमें से मटेरियल रिक्वायर्ड है, फेसबुक भी आ गया, इसके ऊपर समोसा भी आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। अब हलाल का लोगो भी आपको इस पर मिल रहा है, गूगल का मिल रहा है, बिटकॉइन का मिल रहा है, यूट्यूब का मिल रहा है, मतलब अगर ये सारी चीज़ें भी आपको रिक्वायर्ड हैं तो इसमें मिल जाती हैं। कुछ सर्च कर लें, अगर आपको और अलग से सर्च करना है तो यहाँ फिल्टर पर क्लिक कर लें, मुख्तलिफ साइज़ कलर्स आउटलाइंस जिसमें चाहिए वो ले लें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट का हमें लोगो चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ये देखें कॉन्टैक्ट के कितने सारे ऑप्शन आ गए हमारे पास और हमें कौन सा रिक्वायर्ड है वो हमें इस पर क्लिक करके जस्ट ले लेना है। तो ये वाला ले लेते हैं, हमें ज़रा सा अच्छा लग रहा है ये, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया कॉन्टैक्ट वाला, तो यहाँ से क्लिक कर देते हैं। ये एड्स का ऑप्शन आ रहा है, स्टॉप सीइंग बाय दिस ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये कह रहा है यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर लें, इसकी क्वालिटी भी आपके सामने आ रही है, फ्री में डाउनलोड कर लें, 5 सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर, ये डाउनलोड हो रहा होगा यहाँ पर अभी, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, यहाँ से सारी चीज़ों को आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पर क्या डाउनलोड हुआ है, देखते हैं क्या डाउनलोड हुआ है। फोटोशॉप पर चलते हैं और फोटोशॉप से कहते हैं भाई इसको कंट्रोल ओ कर लो, डाउनलोड्स पर क्लिक कर लें। डाउनलोड्स पर जैसे क्लिक करेंगे तो कहाँ चला गया डाउनलोड्स, यहाँ पे हम मिल जाएगा, ये ओपन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया है, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सी करेंगे कॉपी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ वी करेंगे पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ टी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरीके से आपका ये लोगो इसमें से निकल आएगा। एग्जैक्ट साइज़ निकालने के लिए सपोज टू बी ये एग्जैक्ट साइज़ कितना निकला है 963 बाय 455, तो अगर हम इसको पूरा कर दें सपोज टू बी 900 बाय और यहाँ पे हम डाल दें 500, तो कुछ ये साइज़ इस तरह का बनेगा। और अगर मुझे लग रहा है कि ये सही है तो ओके कर दें यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो पे। तो ये देखिए आपने कॉन्टैक्ट का इस तरह से एक लोगो ले लिया। सिमिलरली आप जितने चाहें लोगो आप इसमें से ले सकते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी किस्म के इस तरह के लोगोज मिल जाएंगे जो भी आपने लगाने हैं। अब आती है बात के नाम लिखने की, तो ये सारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट, तो यहाँ से टेक्स्ट पे चले जाएंगे और टेक्स्ट लिखने के लिए हम सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट का टूल लेके क्लिक करेंगे। जैसे ही टेक्स्ट के टूल से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट का टूल बार एक्टिवेट हो जाएगा जो हमें ये टेक्स्ट लिखने की सहूलत देगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं सपोज टू बी, अपना नाम लिख लेता हूँ मैं। टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ से क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट करेंगे और ये एडजस्ट हो चुका है इसके अंदर, ऑल्ट शिफ्ट करेंगे और उसके बाद फिर से इसको एडजस्ट करेंगे एंड देन क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। फर्दर मोर मुझे अपना जो है इसके अंदर डेटा ये इस तरह का पुटअप करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 लाइंस का डेटा है तो अभी हम टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट का एक पैराग्राफ बना देंगे इसी कॉन्टेक्ट आइकन के बराबर का, ठीक है।
ये पैराग्राफ बन जाएगा। यहाँ से क्लिक करके हम फॉन्ट को चेंज कर लेंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे किसी दिन आपको मैं फॉन्ट के बारे में बताऊंगा कि मुख्तलिफ किस्म के फॉन्ट हैं और वो फॉन्ट कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। अभी के लिए हम एरियल का फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो है हम इसका लिख रहे हैं डेटा प्लस 92। यहाँ पे फॉन्ट का कलर जो है सेलेक्ट करके हम रखने वाले हैं ब्लैक या डार्क ब्लू रख लें तो दोनों ही बेहतर रहेंगे। प्लस 92 लिखेंगे, प्लस 92। अब साइज़ काफ़ी बड़ा है फॉन्ट का तो यहाँ से कम करके इसको लेकर आएंगे 18 पर, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। क्लिक करेंगे यहाँ से 30 पर, ये कुछ बेहतर है। 9234834390 एंटर। प्लस 92 माइनस 309013496। ये हमने यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स को इस तरह से पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रही है। कंट्रोल टी दबा के आप ऑल्टर शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि उस आइकन के इक्वल इक्वल आपको नज़र आए। और ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है। अब आइकन ये आ गया आपका, ये आइकन आ गया, ये उसका टेक्स्ट आ गया। इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ लॉक कर दिया। लॉक करने से फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आप किसी भी एक को मूव करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली मूव होगा। तो यहाँ से मैंने मूव टूल ले लिया, किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे दूसरा खुद ही ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। क्लिक करके यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहीं से इनका कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले लिया, डुप्लीकेट लिया लेकिन वो एक का डुप्लीकेट हुआ, शिफ्ट के साथ दोनों को क्लिक किया, कंट्रोल जे कर दिया, दोनों का डुप्लीकेट लेके नीचे ले लिया। बस अब इस तरह से कंट्रोल जे किया और तीसरे का डुप्लीकेट भी ले लिया। इस तरह रखने के बाद अब आप इनमें डुप्लीकेट तो हो चुके, बस अब इनमें चेंजेस करते रहें। जिसमें चेंज करना है उसकी लेयर को सिलेक्ट करें, टेक्स्ट लें और यहाँ पे जाके चेंज करें। जिसका आइकन चेंज करना है चेंज कर दें, वहाँ से आइकन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए दबाया। सपोज टू बी हमने यहाँ पे एड्रेस लिखना है तो एड्रेस के लिए हमने लिख दिया सपोज टू बी, अब ये लेफ्ट साइड से लिख रहा है तो यहाँ पे हमें राइट साइड पे करना है तो ऐसे ले लिया। ओके, इस सूरत में हमें अपना थोड़ा सा बॉक्स बड़ा करना पड़ेगा, कोई नो मैटर आप बड़ा बॉक्स कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके अगर फर्दर मोर और पीछे जाना भी पड़ रहा है तो ये इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके एक एंटर दबा देते हैं और यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये देखिए ओके, ये सेट हो गया। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। टेक्स्ट का थोड़ा सा गैप रखना है तो दोनों लिंक हुए हैं इसलिए दोनों ही मूव हो रहे हैं। तो शिफ्ट के साथ क्लिक किया, पहले यहाँ से इनको अनलिंक किया तो ताकि वो आइकन मूव ना हो अपनी जगह से, आइकन को अपनी जगह पे भेजा। टेक्स्ट पे क्लिक किया, टेक्स्ट को अपनी जगह से मूव करके इस तरह से यहाँ पे लिया और इस तरह से आपका ये एड्रेस भी इसमें फिक्स हो गया। अब रह गया बात केस के ऊपर, यहाँ पे जो लिखना है इसके लिए एक अलग फॉन्ट वगैरह लेके इसकी कंपनी का नाम और जीपी लिखना है। जीपी के लिए भी ऐसा फॉन्ट आपको बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करते हैं तो जीपी लिख देते हैं। फिलहाल हम इसको स्मॉल लेटर्स में जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा फॉन्ट अवेलेबल है जो इस तरह का जी और पी को प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे क्लिक किया, अच्छा वो थोड़ा सा क्लिक करने पर हुआ ये कि ये साइड पर आ गया, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। टेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से आ जाते हैं नीचे तो ये देखिए इस तरह की जी और पी इस तरह से लिखा हुआ है, ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे। और देख लेते हैं नीचे, ये भी सही लग रहा है मुझे टॉप वाला। इसको लेके यहाँ से रेगुलर में जाके इसको बोल्ड कर देते हैं। इसका कलर यहाँ से जाके इसका जो है ये वाला कलर ले लेते हैं। क्लिक करके ओके कर दिया, क्लिक करके ओके कर दिया, क्लिक करके इसको यहाँ पे लिया है, कंट्रोल टी दबाया और अल्टर शिफ्ट के साथ इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि सर्किल के सेंटर में करना है तो इसको सेलेक्ट करें और सर्किल को सेलेक्ट करें। सर्किल कहाँ है, सर्किल यहाँ है, इसको पकड़ के हम सबसे ऊपर ले गए लेयर्स को मूव करके। दोनों को क्लिक किया शिफ्ट के साथ और फिर हमने यहाँ से किया सेंटर और टॉप बॉटम भी किया सेंटर। तो देखें दोनों तरफ से सेंटर हो गया। इनको भी दोनों को सेलेक्ट करके अब हम क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे ताकि ये भी मूव करने पर दोनों एक साथ ही मूव हो, तो ये लिंक करने पर मूव हो। तो इस तरीके से आप इस कार्ड को पूरा का पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं और ये आपको फिर इस तरह से नज़र आने वाला है। ठीक है, बाद में कलर स्कीम्स वगैरह जैसी चेंज करना चाहें आपके अख्तियार में, ये कलर आपको अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से दोबारा शेप्स पे जाएं, शेप्स पे क्लिक करें और यहाँ पे जो कलर्स आपने डाले हुए हैं उनमें से कोई दूसरा कलर इसके ऊपर आप अप्लाई करके देख सकते हैं।
अगर कलर ऐसे नहीं है चेंज हो रहा तो कोई बात नहीं, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करें, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ से पैंट पैकेज पे अप्लाई करें सिंगल कलर के लिए, क्लिक करें फोरग्राउंड पे, और जो कलर आपने बनाया हुआ है या जो आपको बेहतर लगता है इसके लिए वो आप यहाँ से चूज करें, क्लिक करें और उस पर फ्लप कर दें। तो ये देखिए इस तरह के कलर्स में ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, आइकन्स चेंज कर लीजिएगा, जो भी आइकन्स लगाने हैं वो लगा के इस तरह एक अच्छा सा विजिटिंग कार्ड आप 3.5x2.2 में बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये आहिस्ता आहिस्ता